वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे कि आपका जो भविष्य अभी आने वाला है उसमें आपके लाइफ में क्या मिराकल्स होंगे, क्या गुड न्यूज़ मिलेंगे, क्या चेंजेस शिफ्ट्स होंगे, बेसिकली क्या होने वाला है अब आपकी ज़िंदगी में। अभी से लेकर के जो भविष्य आपका बहुत जल्द आ रहा है, होने वाला है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप जुड़ चुके हैं तो इन तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी पूरी क्लैरिटी मिले। सो आज आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRUV या H है तो आपको ग्रुप वन या पाइल वन चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर OBMKAIXWTCQS या D है तो आपको पाइल टू या ग्रुप टू चूज करना है। ओके, ओके, सो दिस इज ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप टू। सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। रिलेटेड टू ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की जो बुकिंग है वो रीओपन हो चुकी है। सो अगर आप अपने लिए चाहते हो, अपने लाइफ के लिए चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRUV या H है और आपने ग्रुप वन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। अब से आपके लाइफ में क्या होंगी, क्या शिफ्ट्स, मिराकल्स, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट एंड एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग ओपन हो चुकी है तो अगर आप चाहते हो तो आप व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो या एनरोल कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी मेरे दो चैनल्स हैं, उसे भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष। उसमें भी आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर उस चैनल में भी ज्वाइन करें आप सब। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, तो लेट्स सी। We have Vesta, okay? Wow. The second house. And what on the deck we have? The 11th house. I hope you can see. Okay. तो आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की मदद से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, अगर आप दो फील्ड से ज़्यादातर हैं, क्रिएटिव फील्ड से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, फैशन फील्ड से या स्पिरिचुअल फील्ड से, इन चारों में से किसी भी अगर आप फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने के चांसेस हैं, अचानक से एक रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, अचानक से आपका जो वर्क है वो लोगों के सामने आने वाला है। ठीक है, एक रिकॉग्निशन, एक फेम नेम आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप क्रिएटिव साइड में प्रोफेशनली हो या क्रिएटिविटी से रिलेटेड या कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हो,
ठीक है, या कोई यू नो कुछ ट्राई कर रहे हो या फिर ऑलरेडी उस चीज़ में हो आप। कम्युनिकेशन फील्ड से भी बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, तो उसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी आप करते हो, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि उस जो एफर्ट आप डाल रहे थे अब तक, वो अलग ही लेवल पे यू नो लोगों के सामने आने वाला है, सोसाइटी के सामने आने वाला है, एक एक पहचान आपको मिलने वाली है, ठीक है, एक रिकग्निशन, एक पोजिशन जो आप चाह रहे थे हो सकता है अब तक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी आपका जो भविष्य है ना, वो आपके ज़िंदगी में आपके विशेष को पूरा करने वाला है, ठीक है। तो अब तक आपकी जो भी विशेष आपको लग रही है कि अभी भी मैं विश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अनफुलफिल्ड है बहुत सारी इच्छाएं, या फिर पूरी नहीं हुई, वो सारी अब वन बाय वन पूरी होने वाली है। तो अगर आपका कोई एक यू नो मेजर ड्रीम है बहुत टाइम से, या कुछ इच्छा है मन में बहुत वक्त से, तो बहुत जल्द इन द कमिंग फ्यूचर आपको वो चीज़ रियल लाइफ में होती हुई नज़र आएगी, या फिर आपको मिलती हुई नज़र आएगी, वो विश आपकी पूरी होगी इस लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड साथ में मुझे ऑल्सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ठीक है, आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं, आप हो सकता है कि बहुत जल्द घर खरीदोगे। अगर आपके माइंड में नहीं भी है तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर इतने ज़्यादा गेन्स हो आपके कि यू नो आप घर खरीद पाओ, ठीक है, या अपने लिए कार खरीद पाओ, या जो भी एसेट्स नेसेसरी होती है वो यहाँ पर खरीदने के चांसेस हैं। आपकी लाइफस्टाइल में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है, ठीक है। तो मुझे एक ग्रोथ नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड इवॉल्व करने वाले हो आप, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो अभी लाइफ की जो जर्नी है वो आप यू नो काया पलट हो रही है, उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो रही है इन अ पॉजिटिव वे, इन अ ब्राइट वे, ओके। सो मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लक आपका अब साथ देने वाला है, आपका भविष्य आपके भविष्य में आपका लक अब आपका साथ देने वाला है, जिसमें आप जैसा चाह रहे थे, जैसा दोस्त चाह रहे थे, जैसा लवर चाह रहे थे, या जैसा वर्क करना चाह रहे थे, जैसी अर्निंग्स चाह रहे थे, अगर अब तक वो पूरी नहीं हो रही थी, या फिर यू नो स्टेगनेंसी बन गई थी, या फिर मन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें यू नो नहीं चल पा रही थी, तो अब उस चीज़ की यू नो कंटिन्यूशन होगी, वो चीज़ चलना शुरू करेगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपके घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो सारे बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक अवेकनिंग आपके अंदर होगी स्पिरिचुअल तरीके से, ठीक है। अपने आप को आप समझ पाओगे, अपने आप को फील करोगे, अपने पोटेंशियल को समझ पाओगे आप। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। We have seven of coins. Page of wands. Nine of cups. Six of Wands. What on the decks we have? The Devil. ओके, सो यहाँ पर एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर या फिर अपने इंटरेस्ट या कुछ भी अपने पैशन से रिलेटेड कोई भी मन में इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, फियर है, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है अपने आप से, तो ये जो सारे डर है ना, ये सारे आपके बनावटी डर है, ठीक है। ये जो डर या ये जो फियर है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में। सो अगर मन में कोई वहम है या मन में कोई डर है या ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं मिल पाएगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी थॉट्स है, तो वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, आपके अजम्पशंस की वजह से हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एकदम सेफ हो, आप एकदम फ्री हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, किसी ने यू नो किसी की बुरी नज़र आप पर नहीं है, ठीक है, और अगर होगी भी तो वो इफेक्ट नहीं कर रही है, आप फ्री हैं। तो अपने मन से डर वगैरह आप प्रेजेंट में हटाने की कोशिश करें, अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि यस, आपका जो वेटिंग पीरियड था किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, या एक से ज़्यादा चीज़ को लेकर, फॉर एग्जाम्पल
अगर आप लव लाइफ में वेट कर रहे थे या करियर में या फाइनेंसेस को लेकर यू नो वेट कर रहे थे, जितना चाह रहे थे उतना नहीं हो रहा था, पेशेंस आपने रखा हुआ था, तो वो जो वेटिंग वाला जो पीरियड है वो आपका ख़त्म हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि जो रेस्ट पे आप थे उससे निकल कर अब धीरे धीरे एक्सेलरेशन जो है बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट, बिकॉज आपके विशेज़ तो पूरे होंगे, लेकिन उसमें यू नो आपको नज़र आएगा कि ये विश ऐसे ऐसे यू नो चमत्कार नहीं हुआ, हमने एफर्ट किया है इस चीज़ के लिए, हमने वेट किया है, हमने तपस्या किया है इस चीज़ को पाने के लिए, तब जाकर आज ये चीज़ हमें मिल पा रहा है, ये आज ये चीज़ हो पा रही है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर में मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, ये बहुत ढूंढ रहे थे, मैरिज होता ही नहीं था, रिश्ता पक्का ही नहीं होता था किसी के साथ, तो बहुत जल्द आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। लव लाइफ आपकी शुरू होने के चांसेस हैं, करियर में सडन ग्रोथ, सडन सक्सेस, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, या जो प्रोजेक्ट में आप यू नो सक्सेसफुली करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे थे, या कोई एक चीज़ को यू नो आप किसी चीज़ की फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहे थे, तो फाइनली आप उस चीज़ को करोगे। तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका अब से जो फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है वो आपको बस देने के लिए जो है ना आपका जो लक है वो काम करने वाला है, बिकॉज अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हाँ आप कंसिस्टेंट रहो, वर्क करो डेफिनेटली, बट जो भी चीज़ अब तक आपको नहीं मिली रिवॉर्ड के तौर पर या फिर आपने मिस कर दिया चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, वो आपको इस बार मिल जाए, इस तरीके की कोशिश आपके यूनिवर्स जो है वो आपके लिए करेंगे। तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट रहेगा, तो एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है, फ्री स्पिरिटेड रहिए, ठीक है। यू नो थोड़ी सी कंफर्ट जोन से निकलकर काम करें, थोड़ी सी परसेप्शन को अपना बढ़ाएं, फालतू की स्ट्रेस नेगेटिविटी ना लें, अपने पैशन पर ट्रस्ट करें, या फिर जो भी आप करते हो उस पर ट्रस्ट रखो, अपने लाइफ पर ट्रस्ट रखो, अपने विशेस पर ट्रस्ट रखो, ओके। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर है वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारे गुड न्यूज़ ला रहे हैं, तो आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी एफर्ट कर रहे हो, जैसे लाइफ को जी रहे हो वैसे ही जियो, और अपने यू नो पॉजिटिव थिंकिंग एंड बाकी चीज़ों में अपने आप को बैलेंस स्टेट में लाने की बस इतना कोशिश करो। सो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर में आपको ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपको खुद डिसाइड करना पड़े, ठीक है, मतलब आप किसी को पूछकर या किसी की सजेशन लेकर नहीं कर पाओगे वो चीज़ें, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है या आपको यू नो प्लेस मिला है अपने स्किल्स को पोर्ट्रे करने का, बट कोई सपोर्ट में नहीं है, सब बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन नहीं है या ऐसा नहीं है, मत करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन तब आपको खुद डिसीशन लेना पड़ेगा कि व्हाट यू विल डू, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको जो सही लगता है अब से वो आप करें, आप पहले अपने दिल की सुने कि आपका दिल क्या कह रहा है, अगर आपकी कोई इच्छा है या यू नो किसी किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, कुछ भी है जो आपका दिल कह रहा है उसे सुनो एंड उसके अकॉर्डिंगली डिसीशन लो, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके होंगे जहाँ पे अगर आप दूसरों को पूछ कर दूसरों के सजेशन के अकॉर्डिंग डिसीशन लोगे तो उसमें आप पछता सकते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने यू नो थिंकिंग में एंड अपने डिसीशन मेकिंग में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, अगर आपकी ऐसी एनर्जी है कि यू नो आप दूसरों से पूछकर काम करते हो या दूसरों की सलाह लेकर कुछ करते हो, तो ठीक है, तो आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। वी हैव नॉट द राइट टाइम, तो अगर अभी किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो रहे हो या वरी कर रहे हो तो अभी आपको बताया जा रहा है कि अभी जस्ट रिलैक्स करो, अभी हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, ना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टाइम का वेट करो। सक्सेस, यस सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, तो जो भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहो, लुक फॉर अ साइन, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एंजल्स हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटीज देना चाह रही हो या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया यू नो क्लिक कर रहा हो, सो उस पर ध्यान दे, या कोई साइन सिंबल्स आपको बहुत नज़र आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज नज़र आते हैं, तो उस पर ध्यान दो कि बेसिकली उससे यू नो क्या कंक्लूजन या क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है, कोशिश करो, ट्रस्ट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट की आपको बहुत ज़रूरत है, आपको सबसे पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ आई एम कैपेबल और आई एम डिजर्विंग और आई कैन डू इट, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी।
सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ओ बी एम के ए आई एक्स डब्ल्यू टी सी क्यू एस या डी है तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रही है, आपके फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या होंगे, कौन से गुड न्यूज़ मिलेंगे, ब्लेसिंग्स, क्या शिफ्ट चेंजेस होंगे या बेसिकली क्या होगा सब हम देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट एंड एनर्जाइज जेम्स क्रिस्टल्स की बुकिंग्स जो है वो रीओपन हो चुकी है। सो आप डेफिनेटली अगर एनरोल करना चाहते हो या बुकिंग्स करवाना चाहते हो तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। मेरे बाकी दो यूट्यूब चैनल्स को भी आप ज़रूर चेक करें। सेकेंड यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड का नेम है पूर्वा घोष। ओके सो वहाँ पर भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the first house, we have Venus, wow, and what on the next we have the sixth house. Okay, so सबसे पहली चीज़ थोड़े बहुत एस्ट्रोलॉजी की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी भी तरीके की आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अटेम्प्ट्स देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो चांसेस बहुत है कि आप सक्सीड करेंगे उस प्रिपरेशन में जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द फ्यूचर में जिस भी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स हाउस है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, बेसिकली अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, सर्विस करना चाहते हो, ठीक है, या यू नो किसी भी तरीके के ऐसे जॉब में जाना चाहते हो जहाँ पे आप पूरे नेशन को सर्व करना चाहते हो, जो भी चीज़ है, तो मुझे लग रहा है कि जॉब से रिलेटेड अगर जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई की फर्दर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको उन्नति, उसमें आपको डेवलपमेंट सब कुछ देखने मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो अगर यू नो आपकी एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे कॉलेजेस के या सेमेस्टर्स के, तो इसमें भी आपको जो है ना चेंज देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको दिखने को मिलेगा कि हाँ आप फाइनली जो है निकल कर आए हो फेलियर से या सक्सीड कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, ठीक है, कोई डिजीज़ है या कुछ हेल्थ इश्यूज़ बहुत लंबे टाइम से यू नो मेडिकेशंस के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है या यू नो इम्प्रूवमेंट नहीं है कोई, सो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिकली उसमें आपको हीलिंग नज़र आएगी, उसमें आपको जो है राहत मिलनी शुरू होगी, बहुत हद तक वो डिजीज़ जो भी आप इशू फेस कर रहे हो वो कम होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप डिस्कवर कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत जल्द अपने बारे में, ठीक है, मे बी स्पिरिचुअली कर सकते हो या फिर ऐसे ही मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ आप कुछ नया स्टार्ट करो, मतलब आपको अपने अंदर यू नो कुछ अलग नज़र आएगा, आप डिस्कवर करोगे अपने आप को, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट हाउस है तो मुझे लगता है कि आप अपने क्रिएटिव साइड को डिस्कवर कर सकते हो या रीडिस्कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत क्रिएटिव थे पहले से लेकिन यू नो करियर के लिए या बाकी चीज़ों के लिए आप भूल गए अपने क्रिएटिव साइड को या फिर अपने इंटरेस्ट को और आप यू नो अर्निंग्स के पीछे, करियर को इस्टेब्लिश करने के पीछे चले गए, तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको मौका देंगी कि फिर से आप यू नो अपने क्रिएटिव साइड में रीफोकस कर सको, फिर से आपको याद आ पाए या फिर आप अपने आप को जानो कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप कैसे इंसान हो, आप क्या चाहते हो करना, बेसिकली जो आप काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो या फिर आपको कुछ और करना चाहिए। तो ये जो डिस्कवरी है अपने ओन सेल्फ के बारे में यह आप करने वालों, ऐसा हो सकता है कि अभी आप यू नो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अभी आप अपने बारे में ढंग से जानते नहीं हो या फिर आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हो, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्द मुझे लगता है कि आप अपने आप से रूबरू होने वाले हो। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अभी हैं, ओके, लाइक
किसी लव कनेक्शन में आप हैं, तो बहुत जल्द हो सकता है कि उनके साथ आपकी इंगेजमेंट हो जाए, या फिर उनके साथ आपकी शादी हो जाए, या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल मिले, या फिर आप दो, ठीक है। तो जो लोग एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो, मुझे लगता है कि एक लेवल और आप दोनों आगे बढ़ने वाले हो साथ में, ठीक है। फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यस एंड अगेन अगर यू नो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में, रोमांस में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। सो अगर आप यू नो कंसीव करना चाहते हो, फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है उसके चांसेस भी बहुत बढ़ेंगे एंड आप फाइनली कंसीव करोगे एंड सक्सेसफुली जो है आपके घर में मेहमान आएगा या आएगी, ठीक है। तो यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे होंगे, अगर आप अब तक ट्राई कर रहे हो, एफर्ट्स डाले जा रहे थे, या फिर यू नो आपका मन है, तो इन द यू नो करेंट रिसेंट फ्यूचर मतलब बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। आपके घर में न्यू मेंबर आएंगे, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है कि रिलेटेड टू लव एंड रोमांस, फर्टिलिटी, ओके, सेल्फ डिस्कवरी, न्यू जॉब, और यू नो सक्सेस इन एग्जामिनेशंस अगर स्टूडेंट है, तो ये सारी इवेंट्स आपके यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द यहाँ पर मुझे लग रहा है कि होने वाला है। साथ में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं, आपको सोशलाइज करने में इश्यूज हैं, आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, या फिर आपको यू नो स्पोकन इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, लोगों से आप ढंग से लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने बातों को, आपको हिचकिचाहट होती है, आप चाहते हो करना बट यू आर नॉट एबल टू डू इट, सो वो सारी चीज़ों में आपकी डेवलपमेंट होगी, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी होने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर। आप देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे जो इन्हेंस हो रही है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है, ओके। सो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ राहत मिलेंगी एंड यस डेफिनेटली फिटनेस वगैरह से भी हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पहचान आपको मिलेगी बहुत जल्दी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इन द कमिंग फ्यूचर डिवाइन काउंटर पार्ट से मुलाकात होने की आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये भी जैसे मैंने कहा एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो तो इंगेजमेंट आपके करेंट पार्टनर के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन द कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर। एंड या अगर यू नो लाइक ऐसे प्रोफेशन में हो, लाइक सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, एक्टिंग में हो, लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट और लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, और यू नो किसी भी तरीके का एक मौका चाहते हो कि मिले हमें, हम पोर्ट्रे करें अपने टैलेंट को, यस डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यूचर आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ऑफर मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, ठीक है, डेफिनेटली चांस मिलेगा आपको। आई थिंक बहुत लोग यू नो फिटनेस की ओर भी जा रहे हो आप लोग, लाइक हो सकता है कि आप लोग वेट गेन या वेट लॉस या फिर यू नो मसल बिल्डिंग में फोकस करना चाहते हो, बट हो सकता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा कुछ इशू है, मन है मन में बट यू नो यू आर मतलब यू आर नॉट एबल टू डू इट, मतलब ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो इन द कमिंग फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आप उन सारी चीज़ों को भी परस्यू कर पाओगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप एंटर कर पाओगे। वी हैव फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वाओ, न्यू लव, ठीक है। अगर सिंगल होगा इस इन द कमिंग फ्यूचर, लव लाइफ, रोमांस, मैरिज, ये सबसे ज़्यादा बहुत एक यू नो एक मेजर तरीके से होने वाला है कुछ आपकी ज़िंदगी में, या तो न्यू पार्टनर आएंगे, न्यू लव स्टार्ट होगा, या रीयूनियन होगा, या मैरिज होगी आपकी, अरेंज मैरिज, या फिर यू नो करेंट पार्टनर के साथ मैरिज, इंगेजमेंट, कुछ ना कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आपका बहुत अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, फर्दर स्टडीज, ठीक है, या कुछ अगर सीखना चाहते थे या कुछ सीखने के बाद उसमें कुछ करना चाहते थे वो करने का आपको मौका मिलेगा, नॉलेज इन्हेंसमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होगी, ओके। एक बैलेंस लाइफ जी पाओगे जहाँ पर मेंटली एंड ओके जहाँ पे मेंटली एंड इमोशनली हर एक तरीके से आप जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर पाओगे, ओके। आपको फील होगा कि ओके सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और हम उस चीज़ से खुश भी हैं कहीं ना कहीं, ओके। नाइन ऑफ कॉइन्स, यस स्टेबिलिटी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आपके अंदर आने वाली है। ये जो भविष्य है आपका, ये आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स लेकर आ रहे हैं जिससे आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड फील करेंगे, एंथुजियास्टिक फील करेंगे, ठीक है, बहुत हैप्पी हैप्पी रहेंगे। सो अगर अभी आपको लगता है कि हैप्पीनेस की कमी है
या खुशियाँ नहीं है लाइफ में, तो खुशियाँ आपके लाइफ में एंटर कर रही हैं बहुत तरीके से। ज़्यादातर मुझे लगता है लव, मैरिज, फ्रेंडशिप्स, ओके एंड करियर के मामले में मैंने जो जो बताया, ठीक है, जैसे आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि सबकी यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस होती है। ओके, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट, फर्दर स्टडीज़ का मौका मिलना, एडमिशन होना कहीं पर पर्टिकुलर डिजायर्ड कॉलेज में, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ पास आउट करना, ये सारे जो विषय हैं ये आपके फ्यूचर में बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, ठीक है। सो जो भी कर रहे हो, ज़्यादातर अगर स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड, यू नो, प्रिपरेशन या एडमिशन के लिए या फिर यू नो एग्ज़ाम पास करने के लिए कर रहे हो, तो उस चीज़ को अच्छे से कंटिन्यू करो एंड और भी ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि फ्लाइंग कलर से पास होगे एंड सक्सीड करोगे बहुत जल्द, ठीक है, और सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो लाइफ में अगर डिससेटिस्फाइड हो अभी, तो यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं होना है, बिकॉज आपके लाइफ में जो जो चीज़ें अभी मौजूद है या जो जो चीज़ें आपने अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ें उनमें से ये सारी चीज़ें भी बहुत लोगों के पास नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट में हैं या जो भी अचीव किया है, जितनी भी खुशियाँ हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, ना कि डिससेटिस्फाइड कि ये तो इनफ नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, इससे क्या होगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में जितना भी मिला है भगवान से, अगर दो वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि वो दो वक्त का खाना भी हो सकता है, किसी और को नसीब ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो और देखो कि कैसे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको। तो चलिए और भी कार्ड देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। कैसे हील करोगे आप मेडिटेशन कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन के लिए एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग इजीली कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है, आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। ओके, यस, गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको। ओके, एंड कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हो, हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे मंत्र आते हैं। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। और हीलिंग के मेथड्स भी मैंने अपने सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा नेम पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप सर्च करोगे या मेरे सेकंड चैनल पे जाके थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। एक वाटर मैनिफेस्टेशन वीडियो भी बनाया है जिससे आप हीलिंग भी कर सकते हो, तो उसे आप ज़रूर देखो, ठीक है। एंड और एक मैंने पेपर मेथड बताया है, ठीक है, वो भी आप देखो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके यू नो एंसेस्टर्स के थ्रू ना कोई दोष हो सकते हैं, पितृ दोष भी बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आता है, या फैमिली वुंड यहाँ पर कुछ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में है या डीएनए में कहीं ना कहीं मौजूद हो चुकी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो जितना हो सके हील करो, जितना हो सके पास्ट के जो आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हैं उसे हटाने की कोशिश करो। फैमिली के साथ कोई अगर यू नो चीज़ें बनती नहीं है तो उसमें हीलिंग लाने की कोशिश करो, एक्सेप्टेंस लाओ, ठीक है। और जितना हो सके उतना यू नो फीड करो, ठीक है, स्ट्रेस को, जो भी काउस डॉग्स कैट्स जो भी होते हैं फीड करो, ठीक है, उन्हें खाना खिलाओ, या फिर जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उन्हें दान करो, ठीक है। एंड अगर पॉसिबल हो सके तो यू नो एंसेस्टर्स को भी फीड करना चाहिए लिबरेशन के लिए, जो यू नो घाट में पंडित करते हैं, खुद से नहीं करना चाहिए, ठीक है। पंडित रिचुअल्स फॉलो करवाते हैं जहाँ पे पिंडदान जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके की एक सिमिलर रिचुअल होती है जो कि यू नो पंडित जो लोग जेन्युइन पंडित हैं वो लोग ही कर पाते हैं, खुद से नहीं करना चाहिए। तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट, बट या वैसे भी यू नो तरीके होते हैं हीलिंग के लिए, या फिर यू नो एंसेस्ट्रल जो वुंड्स आ रहे हैं उसे क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो आप नॉर्मल तरीके अपनाओ, जैसे कि मंत्र चैंटिंग, मेरे जो वीडियोस मैंने मैनिफेस्टेशन से बनाए हैं वो सारे, ठीक है, मेडिटेशन करो, जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उसे एक्सेप्ट करके हील करने की कोशिश करो, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो है ना, एंसेस्टर स्पिरिट्स, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, मतलब क्योंकि वो हैप्पी नहीं है, तो वो हेल्प करना तो चाहते हैं लेकिन हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि काम बिगाड़ते हैं। तो जिसके वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में ज़्यादा स्टेगनेंसी आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, लाइफ आगे नहीं बढ़ती, या फिर जो भी करने जाते हो उसमें यू नो कुछ अच्छा खासा आपको मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है। यस, सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर है यस, ठीक है, इन अ गुड वे। ओके, नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर हैप्पीनेस अबंडेंस मुझे नज़र आ रहा है। सो इन अ गुड वे द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपको बताया जा रहा है कि सिचुएशन ठीक होंगी आपकी, ठीक है।
रोमांस, यस डेफिनेटली रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ गाइस, एंटर कर रहे हैं चाहे पास्ट पर्सन से हो या न्यू पर्सन से हो, बट यस बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। मैरिज हो सकती है, हनीमून में हो सकते हैं, जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फर्टिलिटी के चांसेस हायर है, वेट, यस तो आपको बताया जा रहा है सिचुएशन ठीक होने वाली है, बस वेट करो, ठीक है, खुद अपने आप चीज़ें जो हैं होने शुरू हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन आप बस रिसीविंग एनर्जी में रहो और हैप्पी एनर्जी में रहने की कोशिश करो। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।